सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिलाष सिसोदिया और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर मनी। ये बहुत बहुत ज्यादा इजी होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में बस आपको कुछ नहीं करना, प्लस करना है, माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है मनी को। और प्लस माइनस कैसे करना है? पॉइंट वाले नंबर को, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई भी आपको प्लस करना पड़ेगा जिसमें पॉइंट होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा 1500.67 रुपीज को आपको ऐड करना है 300.52 को। इजी है। उसी तरह पॉइंट वाले डिजिट्स को आपको, मनी बस चैप्टर का नाम है, सीधा इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, हमें क्या करना था, ये आपकी 5.1 है। ठीक है, 5.1 में आपको क्या करना है, एड द फॉलोइंग अमाउंट, आपको इसको ऐड करना था। तो क्या था, 137.62 को आपको ऐड करना है 267.65 को। सीधा सीधा ऐड करना है, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 6 12, कैरी ओवर 1, 7 7 14 प्लस 1, ये 1 है आपका। ठीक है, 15 15 का 1 कैरी ओवर 1, 6 प्लस 4 10 0, कैरी ओवर 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 405.27 रुपीज हो गए थे आपको। आपको बकायदा इस तरह से लिखना है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसी तरह आपको करना। मैं एक और क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं, फिर बाकी के दो आप खुद करेंगे। ये देखिए, ये एडिशन वाला क्वेश्चन था फर्स्ट वाले का, जो मैंने कर दिया था। ये बी वाला है, 37,682 प्लस 23,658 को मैंने ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आया हुआ, बताओ क्या आया, 61,340। ठीक है, उसी तरह आपको सी और डी करना है। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ प्लस करना है। मेरे को उम्मीद है कि एटलीस्ट आप प्लस तो कर ही सकते हैं। चलिए जाइए सेकंड नंबर पे। ये सेकंड हमारे हैं, सबस्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें लिखा है 22,536 फ्रॉम 33,914 को सबस्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम का मतलब होता है जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर, तो वो पहले लिखा जाएगा। सीधी सी बात है, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं, छोटा नंबर नीचे लिखते हैं। तो माइनस कर दो, सिंपल सा, 14 में से 6 गया तो 8, तो ये कितना बचा, 10, 10 में से 3 गया तो 7, 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है, आपको आ ही गया होगा। उसी तरह बी वाला मैंने सिर्फ छोड़ा है, फिर सी और डी दोनों करवाए हैं। बी वाला आप सब्सट्रैक्ट करके खुद देखेंगे। उसी तरह आपको इसी तरह सब्सट्रैक्ट करना है, 5 माइनस 1 4, 12 में से 4 गए तो 8 बचे 2, और यहाँ पे 6 में 3 गए तो 3 बचा, 2 में से 1 गया तो 2 बचा, और 5 में से 2 गए तो 3 बचा। सेम टू सेम डी वाला ये 3494.62 1234.01, 2 में से 1 गया तो 1 6 0 6 2 2। ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं करना था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना था, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके थर्ड वाले पे करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, बस इसमें हमें भी वही सीधा सीधा काम करना है। चलिए, फर्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वेरी सॉरी, मुझे ब्लैक बोर्ड पे आना पड़ा क्योंकि मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो थर्ड में क्या था, क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम द सम ऑफ 1,10,100,10,000 2,22,351 एंड 32,346, हमें क्या करना है, इन दोनों के सब में से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्सट्रैक्ट दिस। इजी है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में ना। तो हमने क्या किया, 2,22,351 और 32,346 का पहले तो एडिशन कर दिया। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 2,54,697। ठीक है, जो हमारा आंसर आया है ना, इसमें से हमने इसको सबसेट कर दिया, तो इसको लिखा मैंने यहां पे, और ये वाली जो टर्म थी 11,000 11,000
13,824 को मैंने लिख दिया नीचे और सबसेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में यही करना है। जैसे बी वाला क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ 342.95 एंड 1223.51 को ऐड करके 1450 से सबसेट करना। सीधी सी बात है, सारे क्वेश्चंस में दो टर्म्स को ऐड करके तीसरे से सबसेट करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चंस है फिफ्थ वाले वो इसी तरह से होंगे। चलो मैं एक दो और करवा देता हूँ, फिर आप करना। ये हमारा बी वाला था, इसमें क्या था, 342.95 और 1223.51 को हमने ऐड किया, फिर हमने 1450.04 को सबसेट कर दिया। कुछ नहीं किया, इसको और इसको ऐड किया तो हमारा आंसर ये आ गया 1566। फिर इसमें हमने 1450.04 को ऐड कर दिया तो आंसर हमारा क्या आ गया, सॉरी हमने फिर जो ऐड आया, जो हमारा सम आया है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा कितना आंसर आया 116.40। सिंपल है, ये थर्ड का बी वाला था। ठीक है ना, मैं इसको बी कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग यही समझो बी था। ठीक है, चलिए सी वाला मेरी इच्छा है कि आप लोग करके देखें, इसमें पॉइंट भी नहीं है, प्लीज करके दिखाना। मैं डी वाला कर देता हूं। सो ये हमारे थर्ड का डी वाला, फ्रॉम द सम ऑफ 3523.99 एंड 7332.14 का सम करना है, फिर इन दोनों के सम को सबसेट करना है किससे, 2329.14। तो हमने इसका सम किया 4913 9 1 10 प्लस 1 11 3 4 5 6, तो 1057.56.13 आया। फिर इसमें हमने क्या किया, सबस्ट्रैक्ट किया इसका 2329.14 को, तो सबस्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना आंसर आ रहा है 8446.99। ठीक है, सी वाला आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। चलो इसी के साथ हमारी ये 5.1 कंप्लीट होती है, अब हम करेंगे 5.2। सो ये हमारा 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये लिखा हुआ है 24,105 by 12, तो उसको हमने सिंपली 12 से मल्टीप्लाई किया, 5×5 = 10। ठीक है, और 200। ठीक है, सर से हमारा आंसर आ जाएगा 289260। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 5×10 = 2×2 3। मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है, फिर इसको आप प्रॉपरली मल्टीप्लाई कीजिएगा। उसी तरह हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेकंड मैंने आपको इसलिए छोड़ा हुआ है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद करके दिखाएंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन आप देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, 234.05 × 34। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट वाले क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना सिखा दिया था, कि पॉइंट को पहले तो भूल जाते हैं, पहले सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। 5×4 = 20 4×0 = 0। ठीक है, और उसका 2 आया, 4×4 = 16 × 6 = 1 12 का 2 + 1 3 4×4 = 8। ठीक है, समझ आया। ठीक है, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कराया 5 से, 5×3 = 0 3×0 = 1 4×4 = 12 2 × 4 3×3 = 6 7। ठीक है, तो हमने इसको ऐड किया तो कितना आया 0 7 6 + 1 7 5 9 7। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे दो नंबर के बाद था, तो पीछे से आप दो नंबर काउंट कीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। सिंपल, समझ आया। तो हमारा आंसर क्या आया 7957 7957.70। इसी की तरह हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो अब आ गए हम हमने फोर्थ क्वेश्चन पे, डू एस डायरेक्ट। इसमें क्या करना है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है हर बार की तरह, सुन लो। फोर्थ में लिखा है मल्टीप्लाई द सम ऑफ 42,296 के सम को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 12 से।
तो हमने क्या किया है, जो ये आगे की दो टर्म थी इन दोनों को, तो पहले से हमने इसका सम निकाल दिया यानी कि ऐड कर दिया। फिर इस सम को हमने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंपल है। सेम टू सेम फिफ्थ क्वेश्चन में करना था, तो फिफ्थ मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इसमें क्या लिखा है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ 132.95 एंड 735.94। पहले की तरह है, पहले हम क्या करते थे, दो टर्म्स को ऐड करते थे फिर उससे माइनस करते थे। इस बार हमें क्या करना है, दो टर्म्स को ऐड करके तीसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन आई मीन फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सिक्स वाला थोड़ा सा माइनस वाला था, इसमें क्या करना था, सब्सट्रैक्ट 23394 फ्रॉम 84434। हमें 84434 में से सब्सट्रैक्ट करना था 23394 को, तो हमारा आंसर क्या आया, 61040। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना था 25 से, जो कि मैंने करा दिया है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर क्या आया आपका, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली जैसे हम करते हैं, मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा आंसर आ रहा है 1526000। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद डिवाइड द फॉलोइंग, इसमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना था, इसमें मल्टीप्लाई करना था। अब डिवाइड वाले हैं, 4952 4 को बाई, यहाँ पे बाई का मतलब डिवीजन से है, डिवाइड करना है 6 से, फिर 8 से, फिर 15 से, फिर 28 से। चलो डिवाइड भी कर लेते हैं फटाफट से, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको आप अच्छे से कॉपी कर लेना, फिफ्थ वाला आप खुद करेंगे। सिक्स ये मैंने कर दिया है। चलिए, हमारे डिवीजन वाले क्वेश्चन भी शुरू हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 4952 4 को हमने क्या 6 से डिवाइड किया, तो 6 8 48, वन रिमाइंडर, 5 कॉपी किया, 6 2 12, 3 रिमाइंडर, 2 कॉपी किया, तो 6 5 30, 2 रिमाइंडर, 4 कॉपी किया, तो 6 4 24। तो हमारा इसका 6 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आया, 8254। ठीक है, तो उसको आपको बकायदा स्टेटमेंट लिंक में लिखना पड़ेगा ऐसे, 4952 4 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8254। ठीक है, उसी तरह ही हमने पॉइंट वाला क्वेश्चन किया, एक बार समझा देता हूँ मैं। 8 4 32, 3 रिमाइंडर, 4 कॉपी किया, 8 4 32, 2 रिमाइंडर, 3 कॉपी किया, फिर 8 8 8 2 16, 7 रिमाइंडर, फिर पॉइंट की जगह वापस पॉइंट लगाया। ठीक है, फिर 8 कॉपी किया, फिर 8 9 72, फिर हमने माइनस किया, ये माइनस है। ठीक है, ठीक है, मैंने लगाया नहीं थे वैसे, ये माइनस करना होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या आया, 8 8 64, फिर हमारा वो आपको दिख रहा होगा तो वो क्रॉस कट रहा हुआ है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं आपको 7 8 करा देता हूँ, एक तो मैं छुड़वाऊंगा आपसे, मैं 9 छोड़ देता हूँ, 10th करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, 9th आप प्लीज मुझे करके दिखाएंगे, सॉरी 8 9 करके दिखाएंगे, 10th में कर रहा हूँ। चलिए, सो ये बहुत बड़ा डिवाइड है। इसमें क्या है, 419272 को मैंने क्या 28 से डिवाइड किया है, तो पड़ा है 28 मजा 28, 41 में से 28 गए तो 13 बचा, फिर 9 को मैंने डाउन नीचे उतारा, फिर 28 4 112, फिर मेरा 112 को जब मैंने माइनस किया तो मेरा आया 27, फिर मैंने 2 कॉपी किया, फिर 29 9 सा होता है 252। ठीक है, 252 होता है, फिर माइनस करने पे मेरा आया 20 आंसर, फिर मैंने 7 कॉपी किया, आई नो मैं दिख नहीं रहा होगा, फिर 28 7 सा होता है 196, फिर 196 के बाद आपका है ये, फिर मैंने क्या किया 12 196 के बाद क्या हुआ 28 7 जा 112। ठीक है, 28 7 जा सॉरी 196 होता है, फिर हमारा 112 आया, फिर 28 कितना 4 जा 112, फिर हमारा आंसर 00 आ गया। ठीक है, समझ आया। इसको मैं और अच्छे से पीछे से दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ जाए, इसको आप अच्छे से कॉपी कीजिएगा। और इसी के साथ हमारा फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट होता है। 5.3 एंड 5.4 नहीं आना है, वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। थैंक यू सो मच।